अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मियां एहसन। और दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले दिनों जो है वो सोशल मीडिया पर न्यूज़ देखी होगी कि गूगल और जो फिटबिट है उनकी आपस में जो है वो कोई परचेजिंग डील जो है वो चल रही है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी डील के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल ने यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो है वो अप्रूवल मिलने के बाद वन मंथ के अंदर जो है वो फिटबिट के साथ जो परचेजिंग है उसको कंप्लीट किया है। और इस परचेजिंग के बाद दोस्तों गूगल ने एक बार फिर ये जोर दिया है कि वो अपने जो यूज़र्स हैं उनकी जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो डाटा है, हेल्थ डाटा है, वो उसको जो है वो शेयर नहीं करना चाहते या उसको स्टोर नहीं करना चाहते, बल्कि जो है वो फिटनेस डिवाइस जो है वो हेल्थ डिवाइस जो है वो सेल करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों गूगल ने यह भी कहा है कि वो फिटबिट के साथ मिलकर नई सर्विसेज और नए प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करना चाहता है ताकि वो अपने जो यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड, सक्सेसफुल, पीसफुल एंड हेल्थी जो है वो रख सकें। गूगल ये कहता है कि जो उनके यूज़र्स हैं उसकी प्राइवेसी सिक्योरिटी का मामला जो है वो काफ़ी हसास होता है, काफ़ी नाजुक होता है, और वो यूज़र्स को उनके डाटा पर मुकम्मल कंट्रोल देंगे। गूगल का कहना है कि वो फिटबिट के ज़रिए जो है वो अपने यूज़र्स का हासिल किया गया डाटा जो है वो गूगल के साथ लिंक नहीं करेगा। गूगल ने 2019 के आखिर में 1.72 अरब डॉलर में फिटबिट को ख़रीदने का ऐलान किया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।